सो वेलकम टू स्टडी आयुर्वेदा विद एसके। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द काया चिकित्सा पार्ट पेपर टू पार्ट ए, दैट इज अ चिकित्सा सूत्र एंड मैनेजमेंत ऑफ डिसीज ऑफ प्राणवस्रोत सच एज कास, श्वास, हिक्का, राजेक्ष्म, उरक्षता, पार्श्वशूल, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोस्टेसिस, एम्फिसिमा एंड सीओपीडी। वीडियो एंड तक देखना प्लीज गाइस, सो दैट यू कैन गेट मोर नॉलेज। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो अप टू द सीओपीडी। सो कासा इज काशनाथ कासा। कासा इम्प्लाइज टू मूव और अफ्लिक्ट। सिंस कासा इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वायु बिकॉज इट आल्सो अफ्लिक्ट चेस्ट, इट इज कॉल्ड कासरोग। कासा इज एन अटेम्प्ट बाय ह्यूमन सिस्टम to throw out or expel out excessive secretion and other harmful material from inside the throat and lungs. तो harmful material है lungs में जो जमा हुआ होता है, वो harmful material throat mouth के through बाहर expel करने को कहते हैं काश रोग। सो वाट इज़ द निदान, दैट इज एटियोलॉजिकल फैक्टर। एक्सपोजर टू स्मोक, ज़्यादा स्मोक करने से, एक्सपोजर टू डस्ट मीन्स अलर्जिक रिएक्शन से हो सकता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज से करने से हो सकता है, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ड्राई फूड्स से हो सकता है, एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इन टू द रेस्पिरेटरी पैसेज, फोर्सिबल स्टॉपिंग ऑफ नेचुरल अर्जेस ऑफ द बॉडी स्पेशली दैट ऑफ कफ एंड स्नीज। वाट इज संप्राप्ति, दैट इज पैथोजेनेसिस दोष, वातो डोमिनेंट एंड कफ, दुष्य रस, स्रोतस प्राणव स्रोतस एंड रसव स्रोतस, अधिष्ठान इज उरकंठ, स्रोतो विकार इज संग। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द लोअर रीजन, वायु मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मे अफ्लिक्ट द चैनल ऑफ सर्कुलेशन इन अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी एंड टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ उदान वायु, सेटल्स इन टू थ्रोट एंड चेस्ट, प्रोड्यूसर्स कासा दैट इज कफ, विच मे बी ड्राई और विथ प्लेग्मा। टाइप ऑफ कासा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बाई कफा ईटीसी। वाट इज अ पूर्वरूप, पूर्वरूप मीन्स प्रीडर्मल सिम्टम्स, सेंसेशन एज इफ द थ्रोट एंड माउथ आर फिल्ड विथ ब्रिस्टल्स, दैट इज फीलिंग ऑफ कंजेशन इन द थ्रोट, सुख पूर्ण गलस्याता मीन्स सेंसेशन होता है थ्रोट में, इचिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द मूवमेंट ऑफ फूड इन ग्लट, द पेशेंट इज अनेबल टू टेक फूड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड एनोरेक्सिया और हिज इनेबिलिटी टू सॉलो फूड ड्यू टू कंजेशन इन थ्रोट। वाटर टाइप्स, वातजकाश, पित्तजकाश, कफजकाश, क्षतजकाश, क्षयजकाश। लक्षण, वाटर द लक्षण मीन साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या हो सकते हैं। वातजकाश के एक्सक्रिएटिंग पेन, पेन इन द कार्डियक रीजन इन द साइड्स ऑफ चेस्ट एंड हेड एंड हेडेक विल बी देयर, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ड्राइनेस इन चेस्ट थ्रोट एंड माउथ, ड्राई कफ एग्रीवेटेड आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड। पित्तजकाश, येलोइश स्पूटम एंड आईज, बिटरनेस इन द माउथ, इम्पेयर्ड वॉइस, मॉर्बिड थ्रस्ट, बर्निंग सेंसेशन, एनोरेक्सिया, गिडनेस एंड फेंटिंग। फ्लेग्मा मिक्स्ड विथ पित्त कम्स आउट, दैट्स द पित्तज लक्षण। वाट इज द कफज काश लक्षण, सुप्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फायर, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नॉजिया, हेवीनेस ऑफ द बॉडी, लोमा हर्ष, श्वास, स्टिकी माउथ, थिक प्लेग्मा इन लार्ज अमाउंट, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन चेस्ट। क्षतज काश, फर्स्टली वन ऑन कफ विदाउट एनी फ्लेग्मा आउटपुट बट लेटर ऑन ब्लड मिक्स्ड विद फ्लेग्मा, सीवियर पेन इन द थ्रोट, फील्स एज इफ हीज चेस्ट इज क्रैकिंग, प्रिकिंग पेन। पर्वात युवक जन, दैट इज वाइल कफिंग वन प्रोड्यूस साउंड लाइक दैट ऑफ पिजन। क्षयज काश, स्पूटम फॉल स्मेलिंग ग्रीनिश और रेड कलर विच लाइक पस विल बी सीन इन द क्षयज काश, वाइल कफिंग पेशेंट फील्स एज इफ हीज हार्ट इज डिस्प्लेस्ड, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन विल बी सीन इन द क्षयज काश। वाट इज द चिकित्सा ऑफ कासा, स्नेहन विथ
स्नेन बाय घृतपान बस्ति पेयायुष मांसरस वातशणक द्रव्य सिद्ध घृततैल स्वेदन वित् स्निग्ध स्वेद इन केस ऑफ मल अपान वात अवरोध दैट इज स्निग्ध बस्ति विल बी गिवन इन केस ऑफ पित्त अनुबंध दैट इज घृत सेवन आफ्टर फुड विल बी गिवन इन केस ऑफ कफ अनुबंध स्निग्ध विरेचन विल बी गिवन फार्मुलेशन आर कासांतक रस लक्ष्मी विलास रस शीतोपलादि चूर्ण तारीसादि चूर्ण कंठकारी घृत अगस्त्य हरितकी सो पित्तजकाश a विरेचन विल बी गिवन इन द पित्तजकाश वमन इफ असोसिएट विथ कफ घृत प्रयोग दैट इज घृत पाक ऑफ माहिष गोदुग्ध विथ आमलकी सोरेस एंड घृत विल बी गिवन मधुर रस अनुपान प्रयोग दैट इज शर्कर जल द्राक्ष स्वरस इक्षुरस गोदुग्ध इट इज विल बी गिवन फार्मुलेशन वाट आर द फार्मुलेशन हियर वी हैव टू फाइंड आउट पित्तजकाश में कौन से फार्मुलेशन योगास दे सकते हैं मतलब चंद्रामृत रस चंद्रामृत रस वसारिष्ट वसारिष्ट इज बेस्ट फॉर पित्तजकाश पिप्पल्यादि अवलेह कासहर गुटिका कासहर गुटिका भी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है सो दैट पित्तजकाश कैन बी क्यूर्ड बाय कासहर गुटिका पिप्पल्यादि अवलेह वसारिष्ट चंद्रामृत रस कफजकाश कफजकाश में वमन दे सकते हैं पित्तजकाश में विरेचना दे सकते हैं और इफ कफ असोसिएट होते हैं तो वमन भी दे सकते हैं इन द पित्तजकाश सो यव कटु वृक्ष उष्ण कफग्न आहार विहार विल बी गिवन इन द कफजकाश वाट आर द फॉर्मुलेशन हियर वी हैव टू गिव टू द कफजकाश पेशेंट आनंद भैरव रस कास कुटहर रस कंठकारी घृत कफज कासहर पिप्पली क्षतजकाश अत्ययिक चिकित्सा मधुर जीवनीय बलम मांस वृद्धक औषध प्रयोग क्योंकि क्षतजकाश में स्पूटम ब्लड की तरह निकलता है इसलिए बल मांस वृद्धक औषध प्रयोग देने से पेशेंट क्योर हो सकता है पित्तजकाशवत चिकित्सा दैट इज घृत दुग्ध प्रयोग तृणपंचमूल सिद्धि अजदुग्ध प्रयोग विल बी गिवन सो शतजकाश इन नवक्षतजकाश मृदुशोधन भ्रमण अल्टरनेटली दीपन भ्रमण श्रोतोशोधन चिकित्सा आल द मेजर विच प्रमोट स्ट्रेंथ द्राक्षादिलेय पद्मकादिलेय प्रयोग विल बी गिवन इन द क्षतजकाश पथ्य एंड अपथ्य फॉर कास पथ्य दैट इज अजक्षीर इज बेस्ट इन आल टाइप्स ऑफ कास वीट याव द्राक्ष खर्जूर पटोला मांसरस विल बी पथ्य एंड अपथ्य वयवाय कंटामिनेटेड कोल्ड फूड कोल्ड क्लाइमेट एंड कोल्ड क्लाइमेट से बचना चाहिए डस्ट स्मोक वेग अवरोध करने से बचना चाहिए पॉजिटिव फैक्टर द अर्धर कास फूड प्रेडोमिनेंट प्रिपेयर्ड विथ बिटर थिंग्स शुड बी गिवन शुष्क कास लुब्रिकेटेड फूड एंड ड्रिंक शुड बी गिवन सो श्वास श्वास इज अ इन दिस डिसीज वाटर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड कॉजेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज श्वास सो वाट आर द निदान दैट इज इटियोलॉजिकल फैक्टर और कॉजिटिव फैक्टर वात प्रकोप होने से श्वास मतलब प्राणव स्रोत का अवरोध होके श्वास होता हो जाता है आहार वाट आर द आहार वी हैव टू अवॉइड हियर वृक्ष अन्न सेवन विषम सन्न शीतल जलपान अति भोजन अध्यासन अति भोजन करने से श्वास हो सकता है दैट इज ब्रोंकाइटिस विहार एग्जाम्पल एक्सपोजर टू स्मोक डस्ट कोल्ड डस्ट कोल्ड कोल्ड एयर लिविंग इन कोल्ड एनवायरनमेंट एक्सेसिव एक्सरसाइज अति मैथुन बाथिंग विथ कोल्ड वाटर वमन अति योग वेग धारण इटीसी कफ प्रकोप दैट इज ड्यू टू
कफ प्रकोप आहार दैट इज माशतील विस्तंबी विदाही अन्न गुरु अति स्निग्ध भोजन जलाई अनुप मांस दधि अभेशंदि भोजन विहार लिविंग इन कोल्ड एनवायरमेंट बाथिंग विथ कोल्ड वाटर एक्सपोजर टू कोल्ड एयर इज कॉजस श्वास इंटरनल कॉजस वाट आर द इंटरनल कॉजस वी हैव टू सी हियर मल अवरोध आम विष कफ दुष्टि प्राणवायु कफ दूषित प्राणवायु प्राणवह स्रोतो विकार अकुमुलेशन ऑफ वायु इन आमाशय एंड उदर पैथोलॉजी ऑफ लंग ईटीसी एक्सटर्नल कॉजेस व्हाट आर द एक्सटर्नल कॉजेस वी हैव टू फाइंड इन द श्वास रोग दैट इज इंजरी टू द चेस्ट थ्रोट एक्सपोजर टू कोल्ड डस्ट और स्मोक अति मैथुन विल बी कफज श्वास लोकल कॉजेस आर इन्फ्लेमेशन इन अपर पोर्शन ऑफ एयरवे पैथोलॉजी इन एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन ट्रॉन्सिलाइटिस श्वासजनक रोग दैट इज पांडु अतिसार ज्वर चर्दी शतक्षीण रक्तपित्त विष हृद्रोग श्वास एंड गुल्म सो अग्निमांद्य संप्राप्ति व्हाट इज द संप्राप्ति हियर इन्वॉल्व्ड दैट इज अ पैथोजेनेसिस दोष दैट इज कफ प्रधान वाता दुष्य इज रस श्रोतस इज प्राणवह श्रोतस अधिष्ठान इज इन द आमाशय दैट इज अधिष्ठान श्रोतोदुष्टि इज अ संग एंड विमार्ग गमन कफ वात विरुद्धक आहार विहार सेवन से विशेषण ऑफ कफ अलॉन्ग विथ वात फर्स्टली द विशेषण ऑफ कफ देन वात विल बी विशेट देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्राणवह श्रोतस वात और कफ विशेट होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन टू द प्राणवह श्रोतस हो जाता है जनरेट मूवमेंट ऑफ वायु इन ऑल डायरेक्शन इन प्राणवह श्रोतस एंड बॉडी मे लीड टू श्वास रोग वाट आर द पूर्व रूप प्रीडर्मल सिम्टम्स अनह पार्श्वशूल पेन इन द हृदय प्रदेश अद्मान मुख वैरस्य ब्रिकिंग पेन इन द शंख प्रदेश वाट आर द भेद महाश्वास ऊर्ध्वश्वास चिन्न श्वास क्षुद्र श्वास तमक श्वास महाश्वास के लक्षण कैसे होंगे ब्रीदिंग विथ डिफिकल्टी इन अ लाउड साउंड लाइक बुल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रैंडम मूवमेंट ऑफ आईज डायलेटेड प्यूपिल्स ब्रीथ्स विथ ओपन माउथ इंटरप्टेड स्पीच फाउंड इन टर्मिनली इल एंड द पेशेंट हु इज गोइंग टू डाई इन द इन नियर फ्यूचर सो ऊर्ध्वश्वास के लक्षण कैसे होंगे प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्रेशन बट इनेबिलिटी टू इंस्पायर प्राणवह श्रोतस एंड माउथ आर फुल्ली ऑफ कफा फुल ऑफ कफा आईज फोकस्ड अपवर्ड एंड देर इज अ रैंडम आई मूवमेंट इन द ऊर्ध्वश्वास देर इज अ रैंडम आई मूवमेंट फ्रिक्वेंटली लॉसेस इज कॉन्शियसनेस ड्यू टू पेन एंड ही मे द पेशेंट मे फेल्ट रेस्टलेसनेस चिन्न श्वास श्वास नाथ विविच्छिन्न दैट इज इंटरप्टेड और इरेगुलर ब्रीदिंग despite of full effort pain in heart other murmurs causing frequent cessation of breathing burning sensation in the basti pradesha eyes filled with tears and become red patient dies soon so shudra swasthya lakshan kaise honge dyspnea which lives for short period not produces any discomfort in the body parts easily curable and many times does not require any treatment so tamaka swasa kapha pradana तमक श्वास इज अ कफ प्रधान पेशेंट फील रिलीफ इन सिटिंग पोजिशन एंड अटैक्स गेट एग्रेवेटेड इन क्लाउडी कंडीशन सो प्राथमिक श्वास असोसिएटेड ज्वर एंड मूर्छा सन तमक श्वास एग्रेवेटेड इन डार्क रिलीव्ड बाय शीतोपचार डार्क में एग्रेवेट होता है और रिलीव्ड बाय शीतोपचार कोल्ड मेजर से संतमक श्वास क्यूर हो सकता है वाट आर द साध्य असाध्यता महाश्वास ऊर्ध्वश्वास चिन्ह श्वास आर असाध्य नवतमक श्वास दट इज साध्य जीर्णतमक श्वास इज कृच्छ्र साध्य शुद्र श्वास इज साध्य वाट आर द चिकित्सा वी हैव टू फाइंड हियर फॉर अभ्यंग लवण तैल प्रोसेस विद साल्ट एंड अदर मेडिसिनल हर्ब्स आर यूज अभ्यंग में कौन सा यूज कर सकते हैं मतलब लवण तैल यूज कर सकते processed with salt and other medicinal herbs are used following abhyanga swedana is administered by the one of the below mentioned method that is swedana with the nadi sveda that is steam fermentation
प्रस्तर स्लैब फर्मेंटेशन संकर स्वेद बोलस फर्मेंटेशन अवॉइड स्वेदन इन पर्सन विथ इनक्रीज पित्त और पित्तज प्रकृति एसोसिएट विथ प्रोफ्यूज हैमरेज डिबिलिटेंट प्रेग्नेंट वुमेन. सो वमन बाय यूजिंग टिप्पली एंड सैंधव लवण विथ मधु बिफोर वमन पेशेंट इज गिवन फुड विच एग्रवेट कफ दोष धूमपान प्रयोग विथ इवन आफ्टर स्नेहन स्वेदन एंड वमन इफ दोष रिमेन अटैच्ड. धूमपान कब दे सकते मतलब स्नेहन स्वेदन करने के बाद भी दोष रिमेन अटैच्ड इन द बॉडी देन धूमपान दे सकते अटैच टू स्रोतस द धूमपान शुड बी अडॉप्टेड एंड एनलार्ज्ड वृत्ति शुड बी प्रिपेयर्ड विथ पेस्ट ऑफ हरिद्र यव एरंडादि मूल एंड लाक्षारस. सो देवदारु चटमांसी मनशील एंड हरताल दिस वृत्ति इज मेड विथ ग्रत एंड यूज फॉर द धूमपान पर्पस. धूमपान टू एलिमिनेट हिडन दोष इन स्रोतस. सो ये देवदारु जटमांसी मनशील हरताल यव एरंडादि मूल लाक्षारस हरिद्र इसके नाम एक बार अच्छे से देख लो सो दैट यू कैन राइट इन एग्जाम क्लियरली. सिमिलरली यवचूर्ण मिक्स्ड विथ ग्रत कैन बी यूज फॉर स्मोकिंग थेरेपी. इन स्ट्रांग पेशेंट दैट इज संशोधन चिकित्सा विल बी गिवन. इन वीक पेशेंट ब्राह्मण चिकित्सा देख ली वातहर चिकित्सा विल बी गिवन. आयुर्वेदिक फार्मुलेशन फॉर द श्वास रोग सवरचालादि चूर्ण वर्चलादि चूर्ण. सो भ्रंग्यादि कल्क भारंग्यादि कल्क सत्यादि चूर्ण दशमूलादि कोत गुड़ावलेह वृषमान पिप्पली. आई थिंक दैट इज वर्धमान पिप्पली. आई डिडंट सीनियर ई थिंक वर्धमान पिप्पली इंगुवादि यवागु पथ्य एंड अपथ्य वट आर द पथ्य एंड अपथ्य फॉर द श्वास रोग पथ्य दट इस वमन विरेचन स्वेदन धूमपान दिवास्वप्न रक्तशाली यव मांस अज दुग्ध सुर एंड लसुण येल अपथ्य रक्तमोक्षण पूर्व पूर्ववात मेष दुग्ध मत्स्य कांड एंड सरसप वृक्ष अन्नपान. वट आर द तम वट इज तमक श्वास तमक श्वास द टर्म तमक श्वास इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स तमक मीन्स अंधकार एंड सेकेंड वर्ड श्वास मीन्स लिविंग ऑफ लाइफ. वाट इज द संप्राप्ति ही इज इन्वॉल्व इज एग्रेवेटेड वाता ड्यू टू एक्सपोजर टू पॉजिटिव फैक्टर लीड टू प्रतिलिम गति एंड रिवर्स मूवमेंट. विशिएटेड वाता रन्स थ्रू द चैनल एंड रीच हेड नेक रीजन इट एग्रीगेट द रीजनल कफ बाय इंक्रीजिंग एपिथेलियल सेक्रेशन एंड प्रोड्यूसर्स पीनस. सो These secretion malarupa kapha obstruct the passage of air and produces ghargar shabda or wheezing sound. That is a stomach swasa. So lakshana here we have to seen peenasa, griva shirasa sangraha, gurugram shabdam wheezing sound will be seen, prameha fainting and shock, kanta dhonasa discomfort in throat, dryness of mouth. Rapid breathing, body shakes during breathing. The person feels better with warm or hot comfort. The breathlessness gets severe in cloudy environment. Ambu, Sita, Vata and Shleshma Avastha. What are the type of tamaka swasa? Prathamika swasa. When tamaka swasa is associated with the symptoms like jwara, murcha is known as prathamika swasa. It is caused by udavarta, raja, ajirna, klinna kaya. And suppression of natural urges. According to the Madhu Kosha commentary, association of Pitta Dosha with Vata and Kapha causes Prathamika Swasa, Santamaka Swasa. So this type of Tamaka Swasa increases during night time and relieved by cold things. It is a Sitopachara. It is known as a Santamaka Swasa because the patient feels as if he is drowning in the darkness. Usually the attack participate early in the morning. What are the sadhya sadhyata tamaka swasa is generally is described as a yappa, that is palliable disease, difficult to cure. However, in individual with recent origin of disease person proverbala or both said as sadhya. While maintaining the prognosis of any disease, following character are maintained in case of
एपेडिसिस, दिस इज हैज़ अफेक्टेड बाई डीप सीटेड धातु, डिसीज इन्वॉल्विंग मेनी धातु, इफ़ अफेक्ट वाइटल ऑर्गन एंड जॉइंट, अफेक्टेड पेशेंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर पीरियड, डिसीज इज कॉज्ड बाय टू दोसेस, मे बी असाध्य. चिकित्सा, what are the chikitsa? If the patient of hika and sosa get afflicted with kasa, swarabheda, they should be treated with emetic therapy, that is vamana. The patient suffering from tamaka swasa should be treated with purgation therapy, that is purgatives, are given to normalize both vata and kapha, set right the size of visheshan channels of vayu should always be cleared to remove the obstruction. वेगकालीन चिकित्सा, द डिसीज तमक श्वास नीड्स इमीडियट मैनेजमेंट इन द वेगकालीन अवस्था, लाइक सद्य वमन अभ्यंग स्वेदन एंड धूमपान और शमन औषधि. वाट आर द शमन औषधि? इट शुड बी एन एट बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट, अभ्यंग विथ तिल तैल एंड लवन ऑन चेस्ट रीजन, स्वेदन नाडी प्रस्तर एंड शंकर, सद्य वमन दट इज साल्ट वाटर शुगर कैन जूस, डिकॉक्शन ऑफ एस्टी मधु, धूमपान एंड आर्द्रक अर्क. So nebulization by amrita dhara, a mixture of menthol, thymol and camphor is used in a aerosol, so that nebulization can be done here. Shamana aushadha, what are the shamana aushadha in the swasa roga, in the tamaka swasa? Swasa kutara rasa, mahalakshmi vilasa rasa, marichadi vati, lavanga adi vati, satyadi churna, मनसिलाधिकृत, दशमूलाधिकृत, व्याघारी हरितकी. रसायन चिकित्सा, इनक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ प्राणवास, फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी यूज्ड, चवन प्रास, वर्धमान पिप्पली, चौसात परिहार पिप्पली. वाट आर द पत्य? पत्य पत्य लघु आहार, उष्णाहार, यूष जंगल वंशरस, षष्टिकशाली, उष्ण वातावरण, विश्राम, अपत्य शीता शीतल अनुपान, श्लेष्म वर्धक आहार विहार, रगवात सेवन, रज धूम हिम ताप सेवन, वेगाधारण, शीत वेतावरण, क्लाउडी एनवायरमेंट. वाट इज हिक्का? हिक्का इज आउटकम ऑफ वाता मेकिंग टिपिकली हिकअप साउंड, वायु frequently moving upward by shaking the liver, spleen and intestine with sound, and outcoming of mouth with loud sound causing trouble to life is called hikka. What are the nidana of hikka? Aharaja nidana, guru vidahi vistambi roksha abhyasandhi and shitala ahara ivam jala sevana visamasana and ajirnasana. Viharaja nidana, shitasta स्थान, रजोधूम आताप, अनिल सेवन, अति व्यायाम, वेगधारण लंघन, हिक्का जनक रोग, पांडु आलासक, उरक्षत क्षय, उदावर्त, रक्तपित्त, विसूचिक, अतिसार, ज्वर, चर्दी, प्रतिशय. वाट आर द संप्राप्ति हियर? इन्वॉल्व दोष कफ एंड वात, दुष रस रस, अधिष्ठान पित्तस्थान, स्वयंत्र, स्रोतस प्राणव, उदकव, अन्नव, तीन स्वतः यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. निदान सेवन, दैट इज वात प्रकोप, प्रकोपित वात प्रोवक उरा स्थित कफ एंड प्राणवह अन्नवह उदका स्रोतस लीड टू हिक हिक ध्वनि लीड्स टू हिका. सो वाट आर द टाइप्स ऑफ हियर? भेद यू हैव सी हियर, महा हिक्का, गंभीर हिक्का, व्यापत हिक्का, क्षुद्र हिक्का, अन्नज हिक्का. महा हिक्का के लक्षण क्या क्या होंगे? Vata along with kapha affect the throat and individual whose mamsa datta and strength prana and agni are depleted. If it further produces remarkable loud and resonant hiccup. Maha ekka is a maha mula, deep rooted, maha vega, massive attack, maha shabda, very very loud sound, maha bala, very strong. This can lead to death immediately, hence named as maha ekka. Gambhira ekka, excessive aggravation of kapha and vayu in an aged, emaciated and mentally depressed individual lead to hika. In such patient, the hika arises from the umbilicus and pakvasha with the pain in all over the body.
सो कैरेक्टराइज्ड बाय डीप एंड रेजोनेंट साउंड एंड एप्लीकेशन ऑफ चेस्ट यॉनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड द बॉडी. सो व्यापतईक दैट इज यामकईक प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर द इंटेक ऑफ चतुर्विध अन्नपान इट गेट अग्रिवेटेड आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड. दिस हिक्का ओरिजिनेट फ्रॉम रूट ऑफ द नेक. देर इज अ यॉनिंग वाटरिंग ऑफ आईज ड्राइनेस ऑफ माउथ अदमान विल बी सीन इन द यामक इक. क्षुद्र इक वेन द वायु विच इज स्लाइटली अग्रिवेटेड इन द कोस्ट ईज पुश्ड बाय द फिजिकल एक्सरसाइज causes this minor fall from of a hiccup is known as क्षुद्र इक. ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने से माइनर हिकअप आते हैं इसी को कहते हैं क्षुद्र इक. अदर दिस इज ऑरिजिनेट फ्रॉम द हृदय क्लोमा एंड कंठा. अन्नजय इक एग्रीवेटेड वायु इन पोस्ट गेट अप्लीकेटेड बाय फूड एंड ड्रिंक एंड मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड गेट लॉर्ड्स इन द चैनल्स ऑफ चेस्ट एंड प्रोड्यूसर्स अन्नजय इक. दोस ऑरिजिनेट फ्रॉम आमाशय इट सबसाइड आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर और ट्रेकिंग फूड. So what are the sadhya sadhyatya? Shudra and Annajayika are sadhya. Mahayika, Gambhirayika, Vyapatayika, that is Yamaka hikka are asadhya. Pralapadi Upadrava Yukta hikka are asadhya. When during the bout of hiccup, the body becomes stretched and eyes roll upward. The person becomes thin and aversion towards the food, sneezes continuously and said to be asadhya. What are the chikitsa for abhyanga? Lavana taila processed with salt, other medicinal herb is used. Following abhyanga, swedana is administered one of the below maintained methods. Swedana, nadi sveda, prastara and sankara sveda. So, hikka vega shamaka upaya. The time when hikka vega is strong, the sudden sprinkling of cold water on the face to cause frequent distress, creating surprise, fear, anger, acceleration and separation from dear can stop hiccup. Nasya yoga nasya of lasuna palandu and garjara swarasa. Nasya of chandana which grinding in tira dugda. Nasya of mixture and sunti churna and madhu. Swasha kutara rasa nasya dhuma haridra black gram churna. Equal part of should be burnt and the smoke should be inhaled. Formulations are Mayura Pitcha Basma, Ikkantaka Rasa, Swasa Kutahara Rasa, Shankaravati, Trikatu Chuna, Manasiladi Dhuma. So Raja Yakshma, in ancient medicinal literature, the Raja Yakshma has been described as the king of all diseases. So moon was first applicated by these diseases, hence known as Yakshma. Eczema means moon, obviously it is chronic, serious and many times a fatal one which spread from person to another one. Opasargika and Sankramika in nature. Raja eczema is a opasargika and Sankramika in nature. Address the Nidana we are involved are the causative factor of Raja eczema are four categories, that is Sahasa, Sandharana, Shaya and Visamasanam. So sahasa means excessive work or fight or exercise beyond one's own capacity. These are follows: having the fight with powerful person, excessive talking, lifting very heavy loads. Vega sandharana means suppression of natural urges. Few example of social and other condition where these urges are likely to suppressed for long duration. Leading to those visions which are as follows: at traveling because of some phobia or fear during sexual intercourse may causes the Raja eczema, and Kshaya means depletion and by Kshaya means depletion and desecration. Charaka has maintained the two possible way to getting depletion of Dhatu. Anuloma Kshaya, that is Dhatu Poshana Karma, classified into two category: psychological due to stressful life, malnutritional eating, very small quantity of food. Pratiloma Kshaya, opposite direction of Dhatu Poshana Karma due to Ati Maituna. Visamasana means taking the food without observing the regulation of eating. Ashtavida Vishesha, Ayatana not followed. Prakriti, Karana, Samayoga, Rasi, Desha,
ಕಾಲ ಉಪಯೋಗ ಸಂಸ್ಥ ಉಪಯುಕ್ತ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಷ್ಟವಿಧ ವಿಶೇಷ ಆಯತ್ತಾನಂ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಅಷ್ಟವಿಧ ಆಯತ್ತಾನಂ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ರಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ರೂಪ ರೂಪ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ದೋ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಜೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತ್ರೀ ರೂಪ ಷಡ್ ರೂಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಕದಶ ರೂಪ ಆಫ್ ರಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ತ್ರೀ ರೂಪ ರಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಸೊ ದಾಹ ಹೋಗ ಕಹಾ ಪಿ ಮತ್ಲಬ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಮೇ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಪಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಷಡ್ ರೂಪ ರಜೆಕ್ಷನ್ ಕಹಾ ಪಿ ಹೋಗ ಷಡ್ ರೂಪ ರಜೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಷಡ್ ರೂಪ ಮತ್ಲಬ್ ಚೇ ರೂಪ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯರ್ ಸೊ ಕಾಸ ಜ್ವರ ಹೋಗ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸ್ಥೂಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಸ್ವರ ಭೇದ ವರ್ಚೋಗದ ಅರುಚಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರಿಯಾ ಅನರುಕ್ಸಿಯಾ ಹಾಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಪೈರಾಕ್ಸಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಜ್ವರ ಫೀವರ್ ಸೊ ಏಕದಶ ರೂಪ ಆಫ್ ರಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ ಅಂಶತಾಪ ಸ್ವರಭೇದ ಜ್ವರ ಪಾರ್ಶ್ವಶೂಲ ಶಿರಶೂಲ ರಕ್ತವಮನ ಶ್ಲೇಷ್ಮವಮನ ಶ್ವಾಸ ಅತಿಸಾರ ಅರುಚಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯತ ಸಾಧ್ಯ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಷೀಣ ಬಲಮಾಂಸ ಪ್ರವರ ಸತ್ವ ಕ್ರಿಯಾಸಾಹ ಜ್ವರ ಅನುಬಂಧ ರಹಿತ ಆರ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಬಲಮಾಂಸ ಅತಿಕ್ಷಾರ ಪೀಡಿತ ಊರ್ಧ್ವ ಶ್ವಾಸ ಪೀಡಿತ ಶುಕ್ಲ ಅಕ್ಷತ ಉಪದ್ರವ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ರಜ ಎಕ್ಸ್ಮ ಕಂಠ ಧ್ವಂಸ ಉರರುಜ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಜೃಂಭ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಅಂಗಮರ್ದ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ನಿಷ್ಠಿತ್ವ ಅಂಗಸದ ಅಗ್ನಿಸದ ಅಸೋಪ್ತಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗೌ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಜೆಕ್ಸ್ಮ ಆರ್ ತ್ರಿದೋಷ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಬಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಬಲ ದೋಷ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗು ದವಾಯಿ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಮಲರಕ್ಷಯ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಟ್ ಮಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂತ್ರ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಫ್ ರಜೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಮಾಂಸ ಪ್ರಯೋಗೇನ್ ರಜೆಕ್ಷಮ ಆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಾಂಸಕ್ಷಯ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಶುಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾಂಸ ರಸ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಅಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಂಸ ಮೇ ಗಿವ್ ಬಲ ಅಜ ಲಾವ ತಿತ್ತರ ಕುಕ್ಕಟ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ತಕ ಮಾಂಸ ರಸ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಅಜ ಮಾಂಸ ರಸ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಜ ಮಾಂಸ ರಸ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಗುಪ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಫ್ ರಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಈಟ್ ಮೀಟ್ ಮೀಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೀಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಧಾನ ಪರಿವರ್ಜನ ಇನ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಜೆಕ್ಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಥ್ಯಾಹಾರ ವಿಹಾರ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಧಾತುಕ್ಷಯ ಆರ್ ವೇಗ ಸಂಧಾರಣಜನ್ಯ ವಿಕಾರ ಇ ಟಿ ಸಿ ಸೊ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಮನ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿರೇಚನ ಯಕ್ಷ್ಮ ರೋಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದೋಷ ಸ್ನೇಹನ ಸ್ವೇದನ ಸ್ನೇಹಯುಕ್ತ ಮೃದು ವಮನ ಸಂಸರ್ಜನ ಕರ್ಮ ಪುನಃ ಸ್ನೇಹನ ಸ್ವೇದನ ಸ್ನೇಹಯುಕ್ತ ಮೃದು ವಿರೇಚನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಸರ್ಜನ ಕರ್ಮ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಲಮೂಲ ವಿಧಾರಿ ಗಂಧಾದಿ ಗಣ ಎಷ್ಟಿ ಮಧು ಸಿದ್ಧಗ್ರತ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಸಂಶಮನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಜದುಗ್ಧ ಮಾಂಸ ಆಫ್ ಜಂಗಲ ಅನಿಮಲ್ ಚಾಣಕ ಮುಗ್ಧ ಯೂಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಮೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಲಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಿಂಟಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜ್ವರ ಶ್ವಾಸ ಕಾಸ ಪ್ರತಿಶಯ ಆಮಶೂಲ ಅತಿಸಾರ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಗ್ರತ ಪ್ರಯೋಗ ಖರ್ಜುರಾದಿಗ್ರತ ದಶಮೂಲಾದಿಗ್ರತ ಪಂಚಮೂಲಗ್ರತ ಜೀವಂತ್ಯಾದಿಗ್ರತ ಕ್ಷೀರ ಪ್ರಯೋಗ ಬಲಾದಿ ಕ್ಷೀರ ಅಜಗ್ದುಗ್ಧ ಶ್ರುತ ಗೋದುಗ್ಧ ಚೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಶೀತಬಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ ತಾಳೇಶಾದಿ ಚೂರ್ಣ ಕಫುರದಯ ಚೂರ್ಣ ಕರ್ಪೂರದಯ ಚೂರ್ಣ ಏಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ ವಟಿ ಪ್ರಯೋಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಚತ್ರಕಾದಿ ವಟಿ ಹಿಂಗೋ ಆದಿ ವಟಿ
अग्नितुंडी वटि इलादि वटि अवलेह प्रयोग वसावलेह च्यवनप्राशावलेह कंटकार्यावलेह रस्त्यावलेह आसव अरिष्ट क्वात द्राक्षासव दशमूलारिष्ट अश्वगंधारिष्ट कनकासव रसौषधि प्रयोग सवर्णमलाति वसंतरस श्वासकास चिंतामणिरस लक्ष्मणविलासरस चंद्रकलारस गोदंती भस्म पत्यांड पत्य पत्यवित्त षष्टिकसाले अजदुग्ध उष्णोदक मांसरस घृत द्राक्षायण पूर्ण विश्राम अजमूत्रस्नान ब्रह्मचार्य पालन आचार्य रसायन पालन अपत्य रुक्ष कफवर्धक शीतलाहार कटु तिक्त कषाय रसयुक्त आहार अति व्यायाम व्ययवाय दिवासप्न शीतल जल अति अति साहस सो उरक्षत उरक्षत एक आल्सो कार्डियक्स शक्त क्षीण उरक्षत रेफर टू इंजुरी और एक्सेसिव एक्सर्शन सच एज स्विमिंग कनिंग रेसलिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लीडिंग टू रेस्पिरेटरी सिम्टम एंड डिप्लेशन ऑफ बॉडी डिसीज बॉडी टिश्यूज सो वाट आर द कॉज ऑफ उरक्षत दैट इज क्षत क्षीण इंजुरी ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ बो लिफ्टिंग हेवी वेट्स फिटिंग विथ स्ट्रॉन्गर पर्सन फाइटिंग विथ स्ट्रॉन्गर पर्सन crossing a big river by swimming melitu urakshata what is the samprapti here involved nidana sevana vishetet dosha prakopa vatadi dosha vishetet vatadi dosha prakopa vaksha pradesh pravesha and tivra vedana parshva sula evam rakta mishrita kapashaya pravarti puppasakshata and shukra ojakshaya ओजक्षय होने से शुक्र और ओजक्षय होने से उरक्षता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है लक्षण व्हाट आर द लक्षण साइन एंड सिम्टम्स यू फाइंड हियर सो सॉरी लक्षण पेन इन द चेस्ट रीजन हेमेटोमेसिस दैट इज कफ हेमेचुरिया स्टिफनेस इन द कोस्टल रीजन एंड बैंक बैक स्टिफनेस कहाँ पे होगा कोस्टल रीजन और बैक रीजन में और लंबर स्टिफनेस होगा व्हाट आर द चिकित्सा ऑफ क्षतक्षीण इंटेक ऑफ लक्षण लाक्षाचूर्ण विथ मधु फॉलोड बाय ड्रिंकिंग मिल्क लाक्षाचूर्ण विथ मधु लाक्षाचूर्ण मिक्स करके मधु में मिला के ड्रिंक किसके साथ करना चाहिए मिल्क के साथ करना चाहिए सो आफ्टर डाइजेशन ऑफ ड्रग पेशेंट शुड बी मेड हैव फूड विथ मिल्क एंड शुगर इफ पेशेंट इज हैविंग पेन इन द प्लैंक एंड लोअर एब्डोमेन डिमिनिश्ड अग्नि देन ही शुड take a lakshachurna mixed with sura if a patient is having loose stool he should take lakshachurna with mushta ativisha patha kutaja twak patha kutaja twak lakshadi kshira is a patient having deepta agni should be given lakshadi kshira laksha grata honey bee wax jivanegana sugar and vamsalochana are cooked in the milk सो समन औषध इंद क्षतक्षीण रक्त पित्तांकर रस बोल पर्पटी शंख भस्म लाक्षादिचूर्ण उशिरादिचूर्ण खर्जुरासव अमृत प्रासघृत श्रवण प्राश सो पार्श्व शूल पार्श्व इन द साइड प्लैंक शूल मीन्स पेन साइड प्लैंक में पेन होता है इसी को पार्श्व शूल कहते हैं थ्रू पार्श्व मीन्स बोथ साइड ऑफ चेस्ट वॉल एंड बेली In condition is often considered as ura parshvasula pain in the side of chest region causes what are the causes of parshvasula it caused by the kapha and vata dosha all the factors that aggravate kapha and vata should be taken as a nidana factor so what is the samprati here involved nidana sevan that is vata kapha dosha prakopa prakopita kapha obstruct vata in parshva and vaksha pradesha prakopita vayu causes shula in parshva and vaksha pradesha may lead to parshvasula pricking pain in the flank treacherous swasa dyspnea admana atopa sankocha ayama vatyadika what are the chikitsa here nidana parivarjana samshodhana chikitsa so achar charaka chart out common treatment principle of formation for six condition associated with the rajax that is rhinitis headache cough hoarseness of voice dyspnea and pain in the side of chest cavity parshvasula that is a snehana with followed by svedana then abhyanga followed by snehana and svedana
दैट इज स्नेह कहाँ से कौन से ड्रग से दे सकते हैं, दशमूल अधिकृत बलग्रत जीवंत अधिकृत स्वेदन विस् स्वेदन विथ उपनहस स्वेद दैट इज तापस्वेद अभ्यंग विथ हर्बल ऑयल एंड चंदनादि तैल अभ्यंग चंदनादि तैल इज बेस्ट फॉर द वृक्षता एंड पार्श्वशूल सो फुड प्रिपेर्ड विथ बार्ली गिवन आफ्टर द अभ्यंग एंड स्नेहन स्वेदन अनुवासन बस्ती इज बेस्ट वाट आर द यूजफुल फार्मुलेशन हियर लक्ष्मी विलास रस त्रिलोकीय चिंतामणि रस दशमूलाधिकात पुष्कर मूलादिचूर्ण पिप्पलादि अवलेह सो ब्रांकाइटिस वाट इज ब्रांकाइटिस ब्रांकाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ अ ब्रोंकियल ट्यूब द एयर पैसेज बिटवीन द नोज एंड लंग्स मोर स्पेसिफिकली ब्रांकाइटिस इज द when lining of a bronchial tube become inflamed and infected bronchitis is caused by virus bacteria and other particles that is that irritate the bronchial tubes what are the etiology smokers people who are exposed to lot of second hand smoke people with a weakened immune system the elderly and infant people with gastroesophageal reflux disease GERD people who are exposed to air pollution. So what are the types of bronchitis? Acute bronchitis, chronic bronchitis. Acute bronchitis is also known as chest cold and short-term inflammation of the bronchi of the lungs. Coughing up mucus, wheezing, shortness of breath, fever and chest discomfort usually last of a few days or weeks. Chronic bronchitis is defined as a productive cough that lasts for at least 3 months of or more. Coughing up scanty and thin mucus for the expectoration and hemoptysis, wheezing and shortness of breath are the chronic bronchitis. Sign and symptoms what we have to find here. Inflammation or swelling of bronchia, coughing, production of clear, white, yellow, gray and green mucus, shortness of breath, wheezing, fatigue, fever and chills, chest pain or discomfort. What are the investigation? Physical examination, chest x-ray, sputum culture. Pulmonary function test, bronchoscopy. What are the treatment antibiotic effective for the bacterial infection? Cough medicine important way to bring up the mucus and remove the irritant from the lungs. Bronchodilator these often bronchial tubes and clear out the mucus. Mucolytic these thin or loosen mucus in airways, making it easier to cough up sputum. So anti-inflammatory medicine and glucocorticoid steroid for the persistent symptom. Pulmonary rehabilitation program. Example are amoxicillin, cefixim, doxycycline, salbutamol, cetirizine, and ambroxol. Giving in the bronchitis. Bronchiectasis is a condition anatomically defined as a chronic irreversible dilatation and distortion of bronchia caused by inflammatory destruction of the muscle and elastic component of bronchial walls. What are the etiology here involved? So what is the etiology here involved? That is past infection, bacterial pneumonia, tuberculosis, proctosis, measles, influenza, proximal airway obstruction, foreign body aspiration, benign airway tumor, mid-lobe syndrome, abnormal host defense, genetic disorder. What are the pathology here involved? Dilatation and distortion of a bronchi, damage of airway epithelium, dilatation and hyperplasia of blood capillary. Clinical features, the production of large quantity of purulent and often foul-smelling sputum, chronic cough, recurrent hemoptysis, recurrent bronchitis, recurrent pneumonia, fever, weight loss. Treatment are improving the drainage of airway, expectorant, bronchodilator, postural drainage, bronchoscopy. What are the antibiotics here given means amoxicillin, levofloxacin often given initially. The choice of antibiotic should be accurately by the result of sputum culture. On the basis of sputum culture, we have to give a
एंटीबायोटिक एंड सेंसिटिविटी टेस्ट. सर्जिकल मैनेजमेंट सो सर्जरी में आल्सो बी यूज टू ट्रीट लोकलाइज्ड ब्रोंकियोस्टेसिस और रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन दैट कुड कॉज प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज. रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पोर्शन ऑफ लंग बाय सर्जिकल रिमूवल एंड ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन. स्टीरॉइड्स, व्हाट आर द स्टीरॉइड्स? इनहेल्ड स्टीरॉइड थेरेपी दैट इज कंसिस्टेंटली अडहेर्ड टू कैन रिड्यूस स्पूटम प्रोडक्शन, डिक्रीज एयरवे कंस्ट्रक्शन ओवर ए पीरियड टाइम एंड हेल्प प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ ब्रोंकियोस्टेसिस. Use of inhalers such as salbutamol, fluticasium, ipratropium may help to reduce the infection by clearing airway and decreasing the inflammation. What is emphysema? Emphysema is a long-term progressive disease of lung that primarily causing the shortness of breath. In people with emphysema, the tissues necessary to support the physical shape and function of the lung are destroyed. एम्फिसीमा में फिजिकल शेप एंड फंक्शन ऑफ द लंग्स आर डिस्ट्रॉयड. सही से काम नहीं करता है एम्फिसीमा में. इट इंक्लूड इन अ ग्रुप ऑफ डिसीज कॉल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. एम्फिसीमा इज कॉल्ड एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज बिकॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू विल बी सीन इन द एम्फिसीमा. अराउंड अ स्मॉलर सैक कॉल्ड अल्वेओलाई makes this air sacs unable to hold their functional shape upon exhalation. What are the causes in the emphysema? Occupational exposure to chemical irritant, exposure to environmental pollutant, inherited genetic defect, most likely causing is smoking. So classification are pan-acinar emphysema, centri-acinar emphysema, distal-acinar emphysema, irregular emphysema. So what are the signs and symptoms we have to find in the emphysema? Shortness of breath is main symptom of emphysema. Wheezing, cyanosis that is blue or gray, lips or finger and nails, barrel shaped chest, constant. The main symptom here find are barrel shaped chest will be seen in the emphysema only, not in other cases. Constant sopping, difficulty in the concentration. So what are the treatment we have to give to the patient? A smoking cessation, avoid all exposure to cigarette smoke and lung irritant. So lung irritant hote hai jaise ki cigarette avoid karna chahiye patient ko. We have to tell to avoid the smoking, and medication are usually prescribed to widen the airway, that is bronchodilators, steroid, anticholinergics and reduce the swelling in airway, anti-inflammatory drug, antibiotics to treat lung infection, effective body positioning and supplemental oxygen as required. Pulmonary rehabilitation can be very helpful to optimize the patient quality of life and teach the patient how to actively manage his or her care. Lung volume reduction surgery, surgical removal of large area of damaged lung. जो डैमेज लंग होता है उसको रिमूव करना चाहिए, सो दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो डिस्ट्रक्शन और डैमेज हुआ हुआ लंग होता है सो दैट गेट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आउटपुट टू द पेशेंट नॉर्मली. Lung transplantation, this is the most drastic of emphysema treatment. COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease is a disease that state characterized by airflow limitation that is not fully reversible. COPD may include disease that cause airflow obstruction, that is emphysema, chronic bronchitis, or combination of these disorder
are called as COPD. What are the classification of COPD? Chronic bronchitis, blue bloater is a chronic inflammation of the low respiratory tract, characterized by excessive mucus secretion, cough, dyspnea, associated with recurrent infection of lower respiratory tract. Emphysema is a complex lung disease characterized by the damage to the gas exchanging surfaces of the lungs. What are the causes of COPD? Tobacco smoking or environmental tobacco smoke, environmental pollution with sulfur dioxide is etc. Frequent respiratory infection, genetic factors are also involved. Clinical features, three primary symptoms are cough, sputum production, dyspnea, and exertion. Other are chest tightness, wheezing, frequent respiratory infection. So what are the treatment? Risk reduction, that is smoking cessation, antibiotic, azithromycin, doxycycline, bronchodilator, relieve bronchospasm and reduce airway obstruction by allowing increased oxygen distribution throughout the lungs, corticosteroid like prednisolone, beclomethasone, eulogion. These medication which are central in the management of COPD are delivered through the material dose inhaler, MDI, by nebulization. Oxygen therapy, pulmonary rehabilitation, surgical management, blepharoptomy or enlarge airspace that do not contribute to ventilation but occupy space in thorax. These airway may surgically excised. As we see in the emphysema, the lung volume reduction surgery will be same. Here you can proceed to patient lung transplantation. So thank you so much for watching my video. Please like, share, subscribe to my channel. So see you in the next video. I think it's a series of topic we are covering according to the CCIM or NCIM syllabus. So everyone, please like, share, subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. Thanks. See you in the next video.